सबसे पहले तो धन्यवाद। ये जो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, ये हम हमारी भारत की जो 1971 में इंडो पाक वॉर में जो विजय हासिल की थी, और इतनी बड़ी विजय जो कि एक रिकॉर्ड है, जिसमें कि करीब 90,000 जो पाकिस्तान के जवान थे उन्होंने सरेंडर किया था, ये अपने आप में एक अलग गाथा है। ये जो और इस विजय में इतने लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, बहुत लोग शहीद भी हुए थे, तो उनकी शहादत को सब याद रखें और देश को इससे मोटिवेशन मिले कि अपने देश की सुरक्षा कितनी ज़रूरी होती है। और साथ में क्योंकि जनरेशन्स आती रहती, नई पीढ़ी आती रहती, तो उनको भी ये मैसेज उनको मिलना चाहिए, वो भूले नहीं कि उनके लिए उनकी जो ये स्वतंत्रता वो लोग अभी इंजॉय करते हैं, इसके पीछे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो जो शहीद हुए थे हमारे जो जवान, उनकी याद में, ताकि सब याद रखें उनको और उससे मोटिवेशन लें कि हम सब मिल करके अपने देश की सुरक्षा का ध्यान रखें और कुछ ना कुछ उसके लिए अपना करते रहें। इसलिए विजय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 16 दिसंबर को। देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में हमारे इतने सारे सैनिक हैं, सर्विंग सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं, और बहुत सारे सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं। तो वो सारे जो सैनिक हैं उनकी जो परिवार हैं, उनकी जो विधवाएं हैं और भी जो लोग हैं, वो ऐसा ना समझें कि हम उन्हें भूल गए हैं। तो इसलिए उत्तराखंड राज्य में ये बहुत अहमियत रखता है कि हम ये मैसेज दें कि हम सब उनको याद रखते हैं और सब लोग उसी जज्बे के साथ अपना प्रयास करते हैं कि हम भी किसी न किसी तरह से देश के में की चीज़ों में जो है हम भागीदार बने, चाहे उसकी सुरक्षा के लिए हो, चाहे उसको और आगे बढ़ाने के लिए हो, और किसी भी प्रकार से भी हमारा जो प्रदेश है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए विजय दिवस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं, वो सबको जो उनके इंटाइटलमेंट्स हैं वो उनको पूरे मिले, राज्य की तरफ से उनको, राज्य की तरफ से भी कई सारी सहूलतें और कई सारी उनकी योजनाएं हैं, वो उनको उनका लाभ वो लोग उठाएं। तो ये इन योजनाओं के बारे में जन जन तक, ब्लॉक लेवल तक, इवन गांव लेवल तक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो अध्यक्ष हैं उनको हम बताते हैं, और वो जाकर के ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे मीटिंग करके उनको उन योजनाओं के बारे में अवगत कराते हैं। और कईयों की कुछ समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं अपने लेवल पर सुलझाने का वो प्रयास करते हैं, और अगर उनके बस में नहीं रहता है तो वो हमारे पास यहाँ उत्तराखंड एक्सप्रेस लीग के हेडक्वार्टर में उन बताते हैं और हम उनका प्रयास करते हैं। अभी क्योंकि पेंशन्स रिलेटेड जो यहाँ पर हैं चीज़ें, जो पुराने हमारे जो रिटायर्ड हैं इंडिविजुअल्स हैं या उनके परिवार हैं, उनको मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिक्कतें कुछ उनको आ रही थी, पर हमारा प्रयास है कि उनकी उन दिक्कतों को जल्दी से जल्दी उनको दूर किया जाए और उनकी जो एक आमदनी का जो स्रोत है, उनका जो पेंशन का, वो बरकरार रहे, ताकि उन्हें उसमें कोई दिक्कत ना हो, और ये हमारा प्रयास रहता। साथ ही जो उनके परिवार के लोग हैं उनको किस तरह से कुछ हम एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको इंफॉर्मेशन दें, कहीं कुछ उनको फैसिलिटेट करें, ताकि उनको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिले और वो अपना जीवन अच्छी तरह से यापन कर सके। देखिए, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है कि अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, और हमारे जो पुराने जो एक्स सर्विस मैन हैं उनकी मैं देखता हूँ, जो उनकी किताबें थी, पेंशन बुक्स थी, पीपीओस थे उनके, वो मैनुअल होते थे, परंतु अब वो सब डिजिटल कन्वर्ट हो रहा है, तो डिजिटल में गलती का स्कोप बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए हम उनको बताते हैं कि देखिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका पीपीओ है, आधार कार्ड है, पैन है, बैंक अकाउंट है, ये सब आप देखिए, और उनमें देखिए आपका नाम एक जैसा हो, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए,
आपकी डेट ऑफ बर्थ वो सही होनी चाहिए हर एक में, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ अगर एक में कुछ और है दूसरे में कुछ और है तो डिजिटल में तो वो एकदम उसको रिजेक्ट कर देता है और फिर वो परेशान होते हैं। तो इसलिए हमने कहा ये सब देखिए, अगर कहीं कुछ है तो उसको हम टाइम रहते हुए इमीडिएटली उसके लिए करेक्टिव एक्शन लें जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है, चाहे वो रिकॉर्ड से कराना है, चाहे वो आधार में करेक्ट कराना है, कहीं पर भी कराना है। क्योंकि पहले मैनुअल में कुछ लिख देते उनको बताया वो कट करके सही लिख देते थे, परंतु डिजिटल में ये नहीं होता क्योंकि वो डिजिटल में आपका डेटा रिकॉर्ड हो जाता है तो उसकी फिर एक प्रक्रिया से उसको करेक्शन कराना पड़ता है। तो इसके ऊपर हम उनको अवेयर कराते हैं कि आप ये देखिए और ये कहीं अगर है तो उसको इमीडिएटली हम उसके करेक्टिव एक्शंस लेते हैं।